जीटीए आउटसोर्सिंग मजदूरों के हक अधिकार से खिलवाड़ करेगी तो लाल घेरा बना दिया जाएगा, यह सीधी चेतावनी बागमारा विधायक जुल्लू महतो ने दी। बीएसएसएल गोविंदपुर क्षेत्र 3 के न्यू आकाश किनारी में नई बैच में सर जीटीए गुरुपाल सिंह ट्रांसपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप के समीप भाजपा नेता आनंद यादव की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की एक सभा में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि बागमारा विधायक जुल्लू महतो उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए स्वयं संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ काफी आक्रामक अंदाज में दिखे। इस आक्रोश का कारण बताते हुए मंचा सिंह अन्य वक्ताओं ने कहा कि इस कार्यस्थल पर पूर्व में भी आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य किया गया है, जिसके सैकड़ों मजदूर अब बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और जब इसी स्थल पर फिर से कार्य शुरू हुआ है तब उन पूर्ववर्ती मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन मिलना चाहिए, पर इस नव संचालित कंपनी ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इन्हीं सभी समस्याओं से अवगत होने के बाद जुल्लू महतो ने अपने संबोधन में कहा कि वैसी कोई शक्ति नहीं जो पुराने मजदूरों को हटा दे। कंपनी को बता देना चाहते हैं कि सरकार भी कहते हैं कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देना है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं सारे लोग यहाँ के स्थानीय हैं, और जो लोग आसपास के धूल गर्द से प्रभावित हैं वैसे लोगों को कंपनी को काम पर रखना ही होगा। छोटे मोटे अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि गुंडा माफियाओं के बदौलत कंपनी चलाने का मंशा छोड़ दें। आनंद यादव ने कहा कि कंपनी को हर हाल में मजदूरों का हक देना होगा। अगर कंपनी प्यार से मजदूरों का हक देती है तो सही है, वरना हक छीनने की भी ताकत रखते हैं। भी हमारे पूर्व के मजदूर साथी हैं, सबसे मैं खेद प्रकट करता हूं मैं आप लोगों के बीच में विलंब से आया, क्योंकि सुबह से ही आज कार्यक्रम था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में विलंब से आया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। एक बार हम लोग जोरदार तरीके से नारा लगाइए, भारत माता की, और जोर से भारत माता की। धन्यवाद उपस्थित साथियों। मजदूरों में जो शक्ति है, गलत नीति का विरोध, मैं तो कोई भी गलत करे उसका मैं विरोध करता हूं, आने वाला समय में मैं विरोध करूंगा। अगर कोई सोचता है कि हम केस करवा देंगे, केस करके जेल भेज देंगे तो ढूंढूंगा तो डर से चुपचाप हो जाएगा, गरीबों का आवाज नहीं उठाएगा, तो ये उसका सोच भूल है, उसका सोच ही भूल है। और दूसरी बात हम बता देना चाहते हैं, यहाँ के गरीब मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करने का प्रयास करोगे लाल घेरा से घेर देंगे। इसलिए यहाँ के मजदूर और गरीबों के साथ, यहाँ के लोड सेल मजदूरों के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास मत करो। दलाली करके, कंपनी को दलाली करके सोचता हम चला लेंगे, ये भूल है। ऑलरेडी यहाँ पहले से ही कंपनी चल रही थी, यहाँ के मजदूर काम कर रहे थे, यहाँ कमेटी बना हुआ था, उन्हीं लोगों के द्वारा संचालित होगा। इसी लोग राजे भाई लोग हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे नेतृत्व करके मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी, जो ज्यादा से ज्यादा मजदूरी है वो मजदूरी मिलता था। इसलिए मैं आप लोगों का सोच करके जा रहा हूँ, कंपनी से बहुत जल्द आपका टीम, हम कमेटी गठन कर देंगे, बात नहीं करेगा तो ये कहां तक जाएगा जाने दीजिए, मगर कंपनी जब तक यहाँ के मजदूरों को, पुराने मजदूरों को, उसके बाद जो नए लड़के लोग हैं उनको भी नहीं रखेगा तो कंपनी किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता है। हम जब तक मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कंपनी नहीं चलेगी।